खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ौदा उपचुनाव की उठापटक शुरू हो गई है और ऐसे में तमाम नेता अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। आज की हमारी खास मुलाकात में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार शामड़ी। शामड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शामड़ी साहब, आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्या लगता है बीजेपी कितना दमखम रखती है बड़ौदा में? बीजेपी बहुत दमखम है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी जो है 20 से 25 हज़ार वोटों से जीतेगी हर हालत में। आपका क्या प्लान है बड़ौदा में? मेरा प्लान ये है भाई, मैं बीजेपी में जो है तकरीबन 32-33 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और श्यामड़ी मेरा गांव है, मैं किसान का बेटा हूँ, मीडियम परिवार से हूँ और मैं गांव वालों की भी सेवा करता रहता हूँ, ग्रामीण एरिया से मेरा विशेष लगाव है और मेरी इच्छा है भाई ग्रामीण एरिया में मैं सेवा करूं। बड़ौदे हल्के में ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, आज तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हमारी बीजेपी पार्टी बेशक यहाँ विपक्ष का विधायक था, फिर भी जो है पार्टी ने कोई पक्षपात नहीं किया, बहुत सारे कार्य किराए हैं और वो दिखाई भी दे रहे हैं। राजकुमार जी, एक प्लान होता है बड़ौदा के, आप हर गाँव में घूमे होंगे, महसूस किया होगा, क्या ज़रूरत है बड़ौदा की, क्या कुछ वहाँ समस्याएँ हैं? बड़ौदा में जी बहुत समस्याएं हैं, अभी पूरा सड़कों का, पानी का, अभी धीरे धीरे बीजेपी ने करवाया है, इससे पहले नहीं था, शिक्षा का भी हमारा जो है यूनिवर्सिटी वगैरह दी हैं, काफ़ी कार्य जो है गवर्नमेंट करवा रही है और बच्चों के रोज़गार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं भाई, यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगवाएंगे, जैसे अपना राई हल्के में इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, गुड़गांव में है, इसी तर्ज पे जो है हम बड़ौदे का विकास कराएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो। वाक्य में जो है ये देखने के लायक होगा भाई, पार्टी ने कुछ करके दिखाया है और मैं भी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ और मैं भी जो है पार्टी के लिए 32-33 साल से काम कर रहा हूँ, मैं भी पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ और पार्टी मुझे ये आशीर्वाद देती है तो मैं खट्टर साहब, आदरणीय खट्टर साहब के, सांसद जी के, मुझे टिकट देती तो मैं जीत, निश्चित जीत पार्टी की है और मैं वो जो है टिकट जो है जीत के उनकी झोली में डालने का प्रयास करूँगा, ये मेरी पूरा प्रयत्नशील है, मैं विश्वास है मुझे, मैं हर हालत में पार्टी को ये सीट निकाल के दूंगा, मुझे पार्टी टिकट देती है। आज किसान सड़कों पर है बड़ौदा में, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, यहाँ से विधायक भी कांग्रेस का ही था, कैसे जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? ऐसा है जी, मुझे जहाँ तक जितनी जानकारी है, पार्टी ये जो किसानों का मुद्दा जो चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसमें जो हमारे सीनियर नेता भी देख रहे हैं, पार्टी भी देख रही है, वो जहाँ तक ये है भाई, ये कांग्रेस वाले ही थोड़ा सा ज़्यादा इसको फैला रहे हैं, आम आदमी इसको नहीं फैला रहा, कांग्रेस पार्टी इसको ज़्यादा मुद्दा उछाल रही है, सबको ये परेशानी नहीं है। नहीं, कल जिस तरह से किसान हर जगह कर रहे हैं, आज भी सिरसा में घेराव कर रहे हैं और कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेसी हैं, सारे कांग्रेसी हैं? देखो जी, कांग्रेसी तो वहाँ राहुल गांधी के वहाँ चले गए। नहीं, जो ये अभी कई बार देखा भी है, पता भी चला है, जैसे गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से भी भाई, ये वही चीज़ वहाँ थी, वही दिल्ली थी, दिखाई जा रही है। हमें जो जानकारी है मंडी में, जैसे कल भी गए थे, सामान तो ठीक बिक रहा है काफ़ी, कई किसी को ज़्यादा शिकायत तो नहीं है। मंडी में तो हम भी गए थे राजकुमार जी, जी तो वहाँ तो मैसेज आ रहा था, सारे किसान बैठे थे वहाँ, तो खुद मार्केट कमेटी वाले कह रहे परेशानी आ रही किसानों को। देखो जी, गवर्नमेंट लग रही है इसको समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है, कोई कमी पेशी रही है, कोई दिक्कत रही है तो सरकार उसका हर लिहाज से जो है किसानों की मदद करने के लिए, किसानों का कार्य करने के लिए हर तैयार है। आदरणीय कल जो है 9 तारीख ने अपना प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, 10 को मुख्यमंत्री का भी पता लगा हमें आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं हर परेशानी को दूर करेगी सरकार। अच्छा ये बताओ, अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है, आपको मैदान में उतारती है, तो क्या सूरत आप बदलने का काम करोगे बड़ौदा की?
देखो जी, मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले जो है जो विकास रुके हुए हैं उनको पूरा कराएंगे, जहाँ भी सड़कों का है, गलियों का है, और भी जो काम रुके हुए हैं उसको पूरा कराएंगे, रोज़गार के लिए इंडस्ट्री वगैरह लाएंगे, बच्चों को रोज़गार के लिए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जो जो भी दिक्कत है बरोदा हल्के में, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं हर लिहाज से जो है मैं खरा उतरूँगा और मैं विकास करके दिखाऊँगा पार्टी की मदद से। पार्टी ही सर्वोपरि है, पार्टी जो चाहेगी वो निर्णय लेगी, हम उसके साथ। ऐसा जी, मुड़लाना ब्लॉक में हमारे यहाँ 12 मुड़लाना है, जैसे 36 पंचायत लगती हैं, 31 गांव लगते हैं, और हमें जो है ये पूरी निश्चित है, हमें जो है पता भी है कि भाई आप पहले भी 10-20-25 साल पहले एक ही विधायक जो है यहाँ से चिडाणा जी, रामफल चिडाणा जी बने हैं, उसके बाद वहाँ किसी को टिकट नहीं दी गई, और हमारे मुड़लाना 12 में ये खुशी की लहर है, उत्सव खुश है, हमारे जो है 36 बरादरी जो है चाहती है भाई मुड़लाना 12 में यदि ये टिकट मिलती है तो हर हालत में बीजेपी ये सीट निकाल ली। अब जैसे हमारे यहाँ जो है सर 10 साल तक तकरीबन जो है 10-11 साल हो गए जो है विपक्ष का ही वो रहा है, और सरकार पहले उड्डा साहब की रही है, इससे पहले भी 10 साल तक उड्डा साहब ने कौन से यहाँ कार्य करवाए हैं, हमें वो लोगों को दर्द भी है, पीड़ा भी है, भाई आज तक विकास नहीं हुए, जो भी काम अब हुए हैं ना बीजेपी सरकार में आने के बाद 5 साल में कोई भेदभाव नहीं करा गया, पूरे विकास हुए हैं, और अब हमें ये मौका मिला है कमल का फूल खिलाने का, जनता हमारा साथ देगी तो हर हालत में विकास होंगे। हमारी हाथ जोड़ से के विनती है जनता से, सभी से कमल का फूल खिलाने का कार्य करें, धन्यवाद। ये तो थे हमारे साथ राजकुमार शामड़ी जी, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी उनके ऊपर भरोसा जताती है तो कहीं ना कहीं बड़ौदा का चहुमुखी विकास करवाने का ये काम करेंगे।